वो कहते हैं मैदान में हारा हुआ इंसान तो फिर भी जी सकता है लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीतता सो वी हैव टू स्ट्रॉन्ग फ्रॉम हेयर सो वेलकम ऑन आर एन सी सी नर्सिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टूडे वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एम सी क्यूज सो टॉपिक आर द लेवल्स ऑफ द प्रिवेंशन सो फर्स्ट एम सी क्यू इज़ द All of the following represent specific protection of disease prevention except question the answer. All of the following represent specific protection of mode of disease prevention. They are asking the specific protection mode of disease prevention. So options are the chemoprophylaxis for the meningococcal meningitis. Option B is the personal hygiene and the environmental sanitation. Option C is the uses of the condoms. D option is the iodization of the salt. Thekeji. So, here we should know what is the specific protection mode of disease prevention. So, under levels of disease prevention, levels of disease prevention, first level of disease prevention is primordial level of prevention. Primordial. Level of prevention. Second level of disease prevention is the primary level of disease prevention. Primary level of prevention. Third level is the secondary level of disease prevention. And last one is the tertiary level of disease prevention. Tertiary level of prevention.

डिक्रीजिंग दैट ठीक है सो दैट जो पर्सन सफ़र कर रहा है फ्रॉम द स्पेसिफिक डिसीज कंडीशन वो क्या है अपनी मतलब डिटेरियोरेट ना कर सके नॉर्मल फंक्शनैलिटी को विद द हेल्प ऑफ दीज फंक्शंस दीज ऑल ऑफ द लेवल्स है ना उसके जो फंक्शनैलिटी है पर्सन के जो डेली फंक्शन है उनको हमें रिस्टोर करना है उनको पर्सन को आफ्टर द डिसीज कंडीशन आफ्टर द डिसीज को रे उसकी क्या है रिहेबिटेशन करनी है ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट लेवल्स ऑफ डिसीज प्रिवेंशन ठीक है जी सो नाउ द क्वेश्चन वाज़ के स्पेसिफिक प्रोटेक्शन ऑफ मोर डिसीज़ है ना स्पेसिफिक प्रोटेक्शन क्या है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आ जाता है जी प्राइमरी लेवल ऑफ डिसीज प्रिवेंशन प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन सो व्हाट इज प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन Primary level of prevention is the level for the disease prevention in which we are taking actions to prevent the occurrence of the disease. Means this is the actions taken. Action taken prior to the occurrence of disease. मेन टू से रिस्क फैक्टर आ गया है वहाँ पे देर आर द चांसिस टू डिवेल्प द डिसीज बट वी आर टेकिंग एक्शंस टू प्रिवेंट दैट पर्टिकुलर डिसीज है न रिस्क फैक्टर आकर बैठ गया है कम्युनिटी में ठीक है जी सो दिस लेवल ऑफ प्रिवेंशन इज इम्प्लीमेंटेड इन द प्रीपैथोजेनिस स्टेज प्री पैथोजेनिसिस स्टेज ठीक है जी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है है ना वो किस स्टेज में वर्क कर रहा है डिसीज के किस स्टेज uh, में वर्क कर रहा है सो दैट इज इन द पैथोजेनेसिस स्टेज सो वॉट इज प्री पैथोजेनेसिस स्टेज प्री पैथोजेनेसिस स्टेज इज वॉट इट इज अ स्टेज वेन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट है ना ऑल फैक्टर्स ऑल फैक्टर्स दैट कोज डिसीज ज डिसीज इज प्रेजेंट देअर प्रेजेंट देर बट द एक्शन इज बट द एक्शन टू प्रिवेंट अकरेंस ठीक है जी अकरेंस को नहीं होने देना है ना डिसीज की अकरेंस को हमें प्रिवेंट करना विद दिस लेवल ऑफ प्रिवेंशन ठीक है जी सो so, वट आर द इंटरवेंशन ये तो हमने चीज बोल दी कि ठीक है हम क्या कर रहे हैं इन द प्राइमरी नाउ हाउ वी इम्प्लीमेंट दिस लेवल है ना तो इस लेवल में हम करते क्या है मोड ऑफ इंटरवेंशन मोड ऑफ इंटरवेंशन ठीक है जी so mode of interventions may under the primary level will become two modes that is the health promotion health promotion activities and the second mode of intervention is the specific protection specific protection so now what is both of these terms and what is the meaning of these both terms so health promotion means हेल्थ प्रमोशन मेन टू से वी आर टेकिंग एक्शंस वी आर एजुकेटिंग आर कम्यूनिटी टू वॉट टू डू मीन टू प्रमोट योर हेल्थ ठीक है टू प्रमोट योर लाइफ स्टाइल ठीक है जो वहाँ पर जो कंडीशंस हैं ठीक है थीके? कुछ ऐसी कंडीशन नहीं डिवेल्प करेंगे जिससे क्या है देअर कैन बी दी डिसीज अक्रेंस है ना हमने ऐसी कंडीशन डिवेल्प ही नहीं करनी जिससे क्या है डिसीज हो जाए ठीक है सो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में में क्या है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन इज वट इट इज द टेकन टू प्रिवेंट द स्पेसिफिक डिसीज कंडीशन फॉर एग्जाम्पल सो इनकी बोथ की एग्जाम्पल्स कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल योगा ठीक है एक्सरसाइज लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन

ऑब्जेक्ट हेयर टू प्रमोट आर हेल्थ ठीक है जी सो इन दिस स्पेसिफिक प्रोटेक्शन वट वी आर डूइंग वी आर टेकिंग सम स्पेसिफिक एक्शंस दैट विद द हेल्प ऑफ दैट एक्शंस जो क्या है आने वाले डिजीज है उसको रोका जा सके सो so, उसमें क्या आ जाता है फॉर एग्जाम्पल वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन ऑफ दिस स्पेसिफिक डिजीज फॉर एग्जाम्पल यू आर इम्यूनाइजिंग द चाइल्ड विद अ पोलियो है ना ड्रॉप टू तो प्रोडेंट द स्पेसिफिक डिज दोलियो नेक्स्ट इज दोल एक्सिसमो प्रोफाइल एक्सिस ले रहे हो है ना तो इट मीन्स क्या है वहां पे क्या है पर्सन कीमो प्रोफाइल एक्सिस एंडेमिक एरिया हो सकता है या वहां पे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं है, है ना तो वी आर प्रिवेंटिंग द कम्युनिटी विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक मोड ऑफ इंटरवेंशन सो नाउट सी द ए एम सी क्यू हे सो आर एम सी क्यू वॉज स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मोड ऑफ डिसीज है in, in, ये सभी एक को छोड़कर सो कीमो प्रोफाइल एक्सिस ऑफ मनिंजोकोकलमेंजाइटिस वी आर टेकिंग एक्शंस अगेंस्ट द स्पेसिफिक डिसीज दज द मनिंजोकोकल मेन्जाइटिस

कोई स्पेसिफिक डिसीज़ कंडीशन है जो बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है एंडेमिक रीजन है वो उस स्पेसिफिक डिसीज कंडीशन के लिए ठीक है जी सो कीमो प्रोफाइल एक्सेज फॉर द कोकल मनंजाइटस इज ऑल्सो द स्पेसिफिक प्रोटेक्शन ऑफ मोड ऑफ डिसीज़ प्रिवेंशन दैट इज द प्राइमरी लेवल ऑफ डिसीज प्रिवेंशन ठीक है नेक्स्ट सो so ये तो था हमारा कि स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है ये next is the uses of the condoms hai na? so this is also the specific protection of mode of disease prevention for example is for example to prevent the stis sexually transmitted disease conditions hai na? diseases and the sexually transmitted infections so these are can be um, prevented by using barrier methods hai na? using condoms. Next, with the help of these methods, you can prevent the pregnancy chances, right? chances of pregnancy. So, these are the specific, this, this is the specific protection. Next is the iodization of the salt. So, iodization of salt is also the specific mode of protection. So, how is it the specific? Um, for example, there is the chances of iodine deficiency, iodine deficiency.

हाँ तो ये दोनों देखो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन एंड हेल्थ प्रमोशन है जो ये दोनों के इसके अंडर आ रहे हैं प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन बट जो क्वेश्चन फर्दर कन्फ्यूज करके पूछा जा सकता है वो ऐसे इनके फर्दर मोड ऑफ इंटरवेंशन से आ सकता है ठीक है जी सो पर्सनल हाइजीन एंड इन्वायरमेंटल सैनिटेशन इज दी हेल्थ प्रमोशन ठीक है जी दिस इज द मोड ऑफ इंटरवेंशन फॉर दी हेल्थ प्रमोशन ठीक है जी बिकॉज पर्सनल हाइजीन एंड एन्वायरमेंटल सैनिटेशन किसी एक डिसीज कंडीशन को रोकने के लिए नहीं है वो ओवरऑल हमारी हेल्थ को और सभी डिसीज कंडीशन की स्प्रेडिंग को एंड हमारी हेल्थ प्रमोशन के लिए दैट आर मैंडेटरी एक्शन ठीक है विल मूव टू नेक्स्ट एम सी क्यू नेक्स्ट एम सी क्यू इज दी सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट है ना सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में सभी हैं एक को छोड़कर सो so, ये क्या है व्हाट इज द सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन ऑप्शन देख लेते हैं हेल्थ स्क्रीनिंग फॉर डायबिटीज मिलाइटिस बी ऑप्शन इज द केस फाइंडिंग फॉर द फैलसी पैरामलेरिया ऑप्शन सी इज दी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग फॉर एस टी आईज डी ऑप्शन इज द रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी एंड वॉट इज दिस है ना सो हम देखेंगे अभी वॉट इज द सेकेंडरी लेवल ऑफ डिसीज प्रिवेंशन वॉट इज द सेकेंडरी लेवल ऑफ डिसीज प्रिवेंशन हांजी इन द प्राइमरी लेवल रिस्क फैक्टर्स आर देयर वी आर प्रिवेंटिंग द डिसीज पे हुई नहीं है उससे पहले ही हम क्या है एक्शंस ले रहे हैं टू प्रिवेंट स्पेसिफिक डिसीज कंडीशन इन लेवल ऑफ प्रिवेंशन है जी? ठीक है मतलब ये तो मैंने आपको एक ओवर व्यू दे दिया अबाउट द सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन सो ये है क्या मेन टू सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में पर्सन को जो हम चीज को बचा रहे थे होने से है ना जिसको हॉल्ट कर रहे थे ठीक है अभी वो सिचुएशन हो गई है ठीक है डिसीज डेवलप हो चुकी है कम्युनिटी में ठीक है तो इसमें आता क्या है इसके मोड ऑफ इंटरवेंशन क्या है इसके सब पार्ट्स क्या है सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के सो so, इसमें आ जाता है अर्ली डायग्नोसिस प्लस स्क्रीनिंग

तो नाउ जस्ट वी हैव टू डायग्नोस कि कौन सी डिसीज हुई है अगर हो गई है तो कौन सी हुई है है ना तो उसको भी ट्रीट करो जल्दी जल्दी से है ना तो इसमें क्या आ जाता है अर्ली डायग्नोसिस अर्ली डायग्नोसिस में की है, क्या करना है आपने केस फाइंडिंग है ना नेक्स्ट इज लैब इन्वेस्टिगेशंस डायग्नोस्टिकुएशन सो दीज आर दैट वी आर टेकिंग इन दी लेवल ऑफ प्रिवेंशन नेक्स्ट इज दीटमेंट सो उस जो भी स्पेसिफिक डिसीज कंडीशन आपने फाइंड आउट की है, है ना उसका अभी क्या करना है हमें ट्रीटमेंट उसका इलाज करना है हमें है ना तो ये जो है द सेकेंडरी लेवल ऑफ डिसीज प्रिवेंशन ये हम क्यों कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी से केस फाइंड आउट आउट करो टू प्रिवेंट दी और टू डिक्रीज दी पीरियड ऑफ कम्युनिकबिलिटी है ना अगर हम पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे तो उससे क्या है हमारे सेकेंडरी केसेस आने का जो रिस्क है दैट विल ऑल्सो लो है ना उसका uh, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ द सेकेंडरी केसेस डेवलपमेंट विल आल्सो भी डिक्रीज व्हाट इज द सेकेंडरी केस व्हाट इज द प्राइमरी केस प्राइमरी केसेस इज द फर्स्ट केस ऑफ द डिसीज कंडीशन इन द कम्युनिटी सेकेंड्री केसिस द फर्दर केस दैट डिवेल्प फ्रॉम द प्राइमरी केसिस सो वी आर टेकिंग एक्शंस टू डिक्रीज है ना टू लो द चांसिस ऑफ सेकेंड्री केसिस ठीक है पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी को हम क्या है विद द हेल्प ऑफ सेकेंड्री लेवल ऑफ डिसीज़ कंडीश प्रिवेंशन वी आर डिक्रीजिंग पीरियड ऑफ कम्युनिकबिलिटी नेक्स्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो सेकेंडरी लेवल ऑफ डिसीज प्रिवेंशन है ये कब इम्प्लीमेंट होता है मतलब डिसीज कंडीशन के डिसीज साइकिल में कहाँ भी इम्प्लीमेंट होगा ये जैसे प्राइमरी डिसीज प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द Stage, basic, क्या है इम्प्लीमेंट किया जाता है ठीक है जी तो वट इज पैथोजेिस स्टेज वेन द माइक्रो ऑर्गेनिजम एंटर आर बॉडी ठीक है मल्टीप्लीकेशन वहां पर स्टार्ट कर दी है डिसीज कंडीशन इज डिपर सो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन इज इम्प्लीमेंटेड इन दैथोजेनिसिस स्टेज नेक्स्ट द वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सैप्ट इज जितने भी नैशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं ठीक है जी ऑल द नैशनल हेल्थ प्रोग्राम्स नैशनल हेल्थ प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंटेड अंडर द इम्प्लीमेंटिड अंडर सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन ठीक है जितने भी आपके नेशनल हेल्थ प्रोग्राम हैं आप एच कंट्रोल प्रोग्राम पढ़ोगे है ना डिसी कंट्रोल प्रोग्राम पढ़ोगे बाकी टी कंट्रोल प्रोग्राम पढ़ोगे है ना एलिमिनेशन प्रोग्राम है जितने भी सो दे आर इम्प्लीमेंटेड अंडर दी सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन फॉर एग्जांपल देर इज़ ए नैशनल प्रोग्राम नेशनल प्रोग्राम टू कंट्रोल द ट्यूबर है ना सो दिस इज़ ए प्रोग्राम सो दिस प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड अंडर सेकेंडरी लेवल ऑफ डिसीज प्रिवेंशन हाउ इज इट बिकॉज इसकी जो इंटरवेंशन है दैट इज द केस फाइंडिंग अर्ली डिटेक्शन ऑफ द डिसीज़ केस फाइंडिंग करनी है सो दैट आर विद द हेल्प ऑफ ऊटम माइक्रोस्कोपी टेस्ट ठीक है नेक्स्ट इज द्रीटमेंट दैट इज द डोट्स थेरेपी है ना तो हो गया ना अर्ली डायग्नोसिज एंड ट्रीटमेंट ठीक है जी

बिकॉज़ दिस इज़ रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कब करते हैं हम कॉम्प्लीकेशन के टाइम पे है ना जब कॉम्प्लीकेशन हो जाती तो है से ना? है ना तब क्या है हम रिक्रक्टिव सर्जरी करते हैं सो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी एन लोसी इज दर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन बिलिटेट द पर्सन ठीक है टू रिहेबिलिटेट दैट पेशेंट द सर्जरीज आर डूंग रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी सो दिस इज दर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन दिस तो एक्सेप्ट का क्वेश्चन था सो दिस इज द राइट आंसर फॉर द एम सी क्यू वील मूव टू नेक्स्ट एम सी क्यू इन ए पॉपुलेशन टू प्रिवेंट कॉर्नरी आर्टरी डिसीज चेंजिंग हार्मफुल लाइफ स्टाइल बाई एडुकेटिंग इज रेफर टू एज हाँ जी सो कॉर्नरी आर्टरी डिज है न स्टेटमेंट को अच्छी तरह से पढ़ना है उसने बोला है कि प्रिवेंट कॉर्नरी आर्टरी डिसीज अभी हुई नहीं है हमें क्या है प्रिवेंट करना है अक्रेंस को चेंजिंग हार्मफुल लाइफ स्टाइल को बाई एजुकेटिंग इज रेफर टू एज ठीक है जी सो so, ऑप्शन आर दाई रिस्क स्ट्रैटेजी प्राइमरी प्रिवेंशन ऑप्शन सी इज दी प्रिवेंशन ऑप्शन डी इज दिवेंशन सो यहाँ पे वी आर प्रिवेंटिंग ऑफ डिसीज है ना तो टर्सरी कब होना था अगर डिसीज कंडीशन हो चुकी होती और वी विल प्रिवेंट द क्या करते हैं हम इसमें कॉम्प्लीकेशन को प्रिवेंट करते हैं सो दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन सेकेंडरी में हम क्या करते हैं अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट अभी तो डिसीज कंडीशन हुई नहीं है तो ये भी एलिमिनेट कर दो नेक्स्ट हाई रिस्क स्ट्रेटेजी हाई रिस्क स्ट्रेटेजी इज नोट द टर्म अंडर द कोई मोड ऑफ इंटरवेंशन नहीं है है ना अंडर द लेवल ऑफ द प्रिवेंशन ठीक है जी नेक्स्ट आ जाता है प्राइमरी प्रिवेंशन प्राइमरी प्रिवेंशन इज द राइट आंसर वैसे भी प्राइमरी प्रिवेंशन में हमने क्या पढ़ा था इसकी सीधी सीधी स्टेटमेंट क्या है एक्शंस एक्शन प्रायर टू दी प्रायर टू दी देंस ऑफ अकरेंस ऑफ डिसीज कंडीशन ठीक है प्रायर टू दी अकरेंस ऑफ द डिसीज कंडीशन दैट द एक्शंस आर टेकन है ना सो दैट द डिसीज विल नॉट है ना टू प्रिवेंट द डिसीज वी आर टेकिंग एक्शन सो यहाँ पे कॉर्नरी आर्टरी डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए हम लाइफ स्टाइल मोडिफेट कर रहे हैं सो दिस इज ऑफ प्राइमरी है ना प्राइमरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन विल मूव टू नेक्स्ट एम सी क्यू इन एन एरिया विद फ्लोराइड रिच वॉटर डिफ्लोरिडेशन ऑफ वॉटर इज विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन डीफ्लोरिडेशन कर रहे हैं हम फ्लोराइड रिच वॉटर हो गया है हमारे वॉटर में उस कम्युनिटी के पानी में जो क्या है फ्लोराइड का लेवल क्या है वो इंक्रीज हो गया है एंड नाउ द वहाँ पे क्या हो रहा है डीफ्लोरिडेशन वाटर वॉटर का ट्रीट हो रहा है सो यू डोंट थिंक दिस इज द सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन ठीक है जी वाई अभी हम देखते हैं इस इस स्टेटमेंट के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है देखो स्टेटमेंट uh, ने बोला है कि किसी एरिया में जो फ्लोराइड का लेवल है दैट इज इनक्रीज है ना तो हम क्या है डिफ्लोरिडेशन ऑफ वाटर कर रहे हैं थिंग इज क्लियर ठीक है नेक्स्ट ये डीफ्लोरिडेशन ऑफ वाटर इज क्यों कर रहे हैं है ना उसका कारण क्या है टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ द डिसीज टू प्रिवेंट अकरेंस ऑफ डिसीज मीन टू से द डिस वट विल डिवेल्प देयर फ्लोरोसिस फ्लोरोसिस ठीक है जी

नेक्स्ट इज दिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑफ़ डिसेबिलिटी लिमिटेशन इन पोलियोमोलाइटस हाँ जी पोलियोमोलाइटस में डिसबिलिटी को लिमिट करने के लिए क्या है एग्जाम्पल हाँ जी ऑप्शन आर रिड्यूसिंग अक्रेंस ऑफ पोलियो बाई इम्यूनाइजेशन अरेंजिंग फॉर स्कूल ऑफ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम पी आर पी पी सो पी आर पी पी इज वॉट

रिड्यूसिंग अक्रेंस ऑफ पोलियो बाई इम्युनाइजेशन सो इट इज़ दी एग्जाम्पल फॉर दी प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन अंडर प्राइमरी लेवल इट इज़ दी स्पेसिफिक मोड ऑफ प्रोटेक्शन नेक्स्ट इज द अरेंजिंग फॉर स्कूल ऑफ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम द पी आर पी पी है ना सो so, अभी ये देख लेते हैं पी आर पी पी ये तो देखो दिस इज दोस्ट पोलियो रिलेटेड पैरालसिसिस जिसमें हम जिस ये होने का कारण क्या रहता है दैट इज दोलियो वैक्सीन ठीक है पोलियो वैक्सीन मेंटू से कुछ केसेस में जो क्या है हार्मफुल कंसिडर हो जाता है उनमें क्या है पैरालिसिस हो जाता है मेंटू से ये क्या है टू थाउजेंड में किसी एक को ही होता है ठीक है दिस इज वैसे रियर है ये बट चलो ठीक है अगर हम अरेंजिंग कर रहे हैं किसी पैरालिसिस वाले बच्चे की है ना फॉर द स्कूल सो दिस इज दी दिस इज वॉट दिस इज दी वोकेशनल रिहेबिलिटेशन दिस इज दी वोकेशनल रिहेबिलिटेशन

देखो तीनों चीज़ों हमने डिस्कस कर ली है नेक्स्ट है रेस्टिंग अफेक्टेड लिम्ब इन दी न्यूट्रल पोजिशन सो दिस इज द राइट आंसर ऑफ आर एम सी क्यू देखो प्रैलिस में हम क्या है उसके लिम्ब को जो भी उसका अफेक्टेड लिम्ब है उसको हम न्यूट्रल पोजिशन में रखने का कारण क्या है कि फर्दर जो अफेक्टेड लिम्ब है उसमें स्ट्रेचिंग ना हो ठीक है मसल डैमेज ना हो मसल स्ट्रेचिंग ना हो तो उसके लिए हम क्या है उसको एक पोजिशन पे मेंटेन करके रख रहे हैं ठीक है थीके? अभी एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगी मैं यहाँ पे दैट इज़ के देखो जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन है लेवल ऑफ़ है इसके अंडर मतलब टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन मींस क्या है जिसमें क्या है हम कॉम्प्लीशन कॉम्प्लिकेशन कौ, को प्रिवेंट करते हैं इसमें दो चीजें आ जाएंगी ठीक है जी दैट इज दिस डिसबिलिटी लिमिटेशन डिसबिलिटी डिसबिलिटी लिमिटेशन नेक्स्ट टर्म इज द रिहेबिलिटेशन रिहेबिलिटेशन वट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफ बोथ ऑफ दीज टर्म डिसिटी लिमिटेशन जो हमें एम सी क्यू ने पूछ रखा है कि फर्दर डिसबिलिटी को है ना अभी एक डिसबिलिटी पैरिसिस तो उसको हो चुका है उससे फर्दर अगर फर्दर हुई दैट इज दसल डैमेज दैट इज दी मसल वीकनेस है ना और हो रही है उसी मसल में है ना जो अफेक्टेड लिम्ब है तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए डिसबिलिटी को लिमिट करने के लिए जो एक्शन लिए जाते हैं दैट इज डिसेबिलिटी लिमिटेशन रिहेबिलिटेशन में क्या है ऐसे कुछ एक्शन लिए जाते हैं फॉर द रिकवरी ऑफ पेशेंट, रिकवरी के लिए इसमें आ जाता है जैसे कि वोकेशनल ट्रेनिंग है ना स्कूलिंग आ जाएगा मेंटल रिहेबिलिटेशन आ जाएगा साइकोलॉजिकल साइकोसोशल ठीक है सो दीज ऑल आर द रिहेबिलिटेशन मेथड्स ठीक है जी सो so एमसी क्या था ये है ना प्रोवाइडिंग कलिपर्स इज द मेडिकल रिहेबलिटेशन ठीक है जी मेडिकल रीहेब दिस इज द प्राइमरी दिस इज दर्सरी लेवल दिस ऑल्सो इज दर्सरी लेवल ठीक है टर्सरी लेवल है तीनों ही है ना बट अंडर टर्सरी दिस इज द रीहेबिटेशन एंड दिस इज ऑल्सो द रिहेबिल रिहेबिल सो दे हैड आस्क दन कॉन्सेप्ट दैट इज द डिसबिलिटी लिमिटेशन सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट विल मूव टू नेक्स्ट एमसीक्यू हां जी सो सिक्स्थ एमसीक्यू है आपके सामने विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमो प्राइमोडियल प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़ हां जी प्राइमोडियल प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़ बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि इसकी डेफिनेशन क्या है है ना सो ऑप्शन ए इज द एक्शनस टेकन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ द डिजीज हां जी एक्शन टेकन प्रायर टू द डिस ठीक है नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ इमरजेंस ऑफ डिवेलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर्स नेक्स्ट है एक्शन टेकन टू रिमूव द पॉसिबिलिटी दैट डिसीजर अक्र ठीक है एक्शन दैट हॉल्ट प्रोग्रेस ऑफ द डिस ठीक है जी सो प्राइमोडियल प्रिवेंशन में क्या था वी आर टेकिंग एक्शंस है ना जिसमें क्या है हम Even हमने रिस्क फैक्टर को भी डिवेल्प नहीं होने देना ठीक है रिस्क फैक्टर की को भी जब हम प्रिवेंट करते हैं दैट इज प्राइमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन ठीक है जी अंडर दी प्राइमोडियल लेवल ठीक है प्राइमोडियल लेवल में और चीजें क्या आ जाती है प्राइमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन इसमें इसके अंडर और क्या आ जाता है इसमें आता है मास एजुकेशन अनदर इज दी इंडिविजुअल एजुकेशन इंडिविजुअल एजुकेशन मेन टू से या तो आप एक इंडिविजुअल को एजुकेट करेंगे रिगार्डिंग द स्पेसिफिक प्रोटेक्शन ठीक है किसी डिसीज़ की रिस्क फैक्टर वहाँ पर नहीं डिवेलप होने देंगे या फिर पूरी की पूरी कम्यूनिटी को एजुकेट करोगे कि कैसे हम किसी भी डिसीज़ की आक्रेंस को प्रिवेंट कर सकते हैं कैसे अपने हेल्थ स्टाइल को हेल्थ स्टाइल अपने हेल्दी लाइफ स्टाइल को डिवेलप करके रखना है ठीक है जी सो दिस इज द प्राइम मोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन इज कंसिडर्ड एज द प्योरस्ट लेवल ऑफ प्योरस्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन इन द प्राइमरी प्रिवेंशन लेवल ठीक है जी सो प्राइमरी प्रिवेंशन का ये एक

Level, सभी के कर लेते हैं प्राइमोडियल प्रिवेंशन के अंडर क्या आ जाता है मास एंड द इंडिविजुअल एजुकेशन इन द प्राइमरी प्रिवेंशन देयर इज द स्पेसिफिक प्रोटेक्शन एंड द स्पेसिफिक प्रोटेक्शन एंड हेल्थ प्रमोशन सेकेंडरी के अंडर क्या आता है जी अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट टर्शरी के अंडर क्या आता है डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन रिहेबिलिटेशन एंड दी डिसेबिलिटी लिमिटेशन सो राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू इज ऑप्शन डी टर्शरी प्रिवेंशन विल मूव टू नेक्स्ट एमसीक्यू विच ऑफ द फॉलिंग इज द मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस हां जी इम्पेयरमेंट डिसीज डिसिटी एंड हैंडीकेप इनको एक सीक्वेंस में लगाना है सो विच इज द मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस ठीक है जी नाउ वी विल डिस्कस के जो डब्ल्यू एच ओ के द्वारा प्रोवाइड एक सीक्वेंस दी है डब्ल्यू एच ओ ने इस सीक्वेंस के बारे में क्या बोला है ठीक है जी अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ अभी सभी ये टर्म्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे ठीक है जी सो द फर्स्ट टर्म इज दी दी इज़ मेन टू से इंटरसिक पैथोलॉजी इंट्रेंसिक पैथोलॉजी है ना बॉडी में कुछ क्या है चेंजेस है ऑल्ट्रेशन है वहां पे ठीक है देर इज दी चेंजिंग changes in the changes in the normal body functioning normal body functioning में functioning में है ना जब body में कुछ किसी भी तरह की अगर normal से कुछ अलग हो रहा है that is known as the disease है ना so for example diabetes mellitus ठीक है जी next is the इंपेयरमेंट ठीक है जी इसी के अंडर आ जाएगा नेक्स्ट जो है टर्म दट इज इंपेयरमेंट मेन टू से समथिंग इज इम्पेयर कुछ जो क्या है में चल रहा था, कुछ नॉर्मैलिटी में चल रहा था वो क्या है अभी इंपेयर्ड हो रहा है इंपेयर्ड मेन टू से द फिजिकल है ना फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल एंड एनेटमिकल फंक्शन है बॉडी के दैट आर ऑल्टर है ना बॉडी hmm. में इंपेयरमेंट हो गई है मेन जो आपका नॉर्मल बॉडी फंक्शन है ना किसी भी तरह के वो एक पेयर में नहीं रहे एक सीक्वेंस में नहीं रहे वो क्या है अभी डिस्टर्ब हो चुके हैं दैट इज नोन एज द इम्पेयरमेंट नेक्स्ट इज दिसिटी डिसबिलिटी ड्यू टू दिस एम्पेयरमेंट जो आप काम एक सीक्वेंस में कर रहे होना अभी वो तो सारे डिस्टर्ब हो गए हैं इन दरमेंट उसकी वजह से जो डिवेलपमेंट हुई है दैट इज नोन एज द डिसबिलिटी मीन टू से डिसबल अनएबल टू परफॉर्म टू डू सम इज नॉन एज द डिसबिलिटी जो पर्सन की एबिलिटी थी वो अभी क्या है डिस्टर्ब हो चुकी है ठीक है जी नेक्स्ट इज देंडी कैप हैंडीकैप मीन टू से नॉर्मल रोल ऑफ द पर्सन नॉर्मल रोल ऑफ द पर्सन जो था कम्युनिटी में ही कांट परफॉर्म ही कांट परफॉर्म दिस इज नॉन एज द हैंडी ठीक है जी सो so, अभी हम एक इसको याद करने के लिए एक अच्छी सी ट्रिक है ठीक है क्योंकि कभी कभार हम क्या इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है इधर उधर की जैसे अभी एम आया है अभी हमें सभी कुछ पता होगा है ना कि ये सारे टर्म्स क्या हैं तो लेकिन इसको सीक्वेंस में याद करने के लिए आई हैव अ ट्रिक फॉर यू गाए दैट इज़ दी टीवी पे एक शो आता था ना दैट इज़ डांस इंडिया डांस है ना डांस India, dance, ठीक है H H को याद रखेंगे हम हैंडीकैप से ये आपको याद रह जाएगा क्योंकि ये end से so, dance का क्या मतलब है यहां से हम D को उठाएंगे और याद रखेंगे डिसबिलिटी को उसी सीक्वेंस में ठीक है इंडिया से I को उठाएंगे यहां पे इंपेयरमेंट को याद करेंगे उसी सीक्वेंस में नेक्स्ट डिस सॉरी यहां पर डिसीज आएगा है ना फर्स्ट टर्म इज दी डिसीज सेकेंड इज दी यहां पर क्या आएगा डिसीज ठीक है जी नेक्स्ट टर्म इज दी इंपेयरमेंट नेक्स्ट इज द डिसबिलिटी ठीक है जी

सो वी हैव टू रिमेंबर डांस इंडिया डांस एच क्लियर है जी हो जाएगा सभी का विल मूव टू नेक्स्ट एम सी क्यू हाँ जी पैप्समीयर टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ कार्सिनोम ऑफ सर्विक्स इज विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन पैप्समीयर डिटेक्शन हाँ जी कुछ डिटेक्ट कर रहे हैं वो किसी भी डिसीज कंडीशन को जब डिटेक्ट कर रहे हो सो दैट विल बी द हाँ जी So, यहाँ पे पैप्स टेस्ट कर रहे हो आप फॉर द दा डिटेक्शन डायग्नोस करने के लिए कार्सिनोमोफ सर्विक्स हो तो दिस इज द स्क्रीनिंग किसके अंडर आ रहा है जी सेकेंडरी लेवल ऑफ डिसीज प्रिवेंशन में ठीक है जी विल मूव टू नेक्स्ट टाइम सी हैज लॉस्ट हिज फुट इन एन एक्सीडेंट एंड इज नॉट एबल टू वॉक इज एन एन एग्जाम्पल ऑफ जी सो so, ये सारे टर्म्स अभी हमने डिस्कस की है है ना डी आई डी की हेल्प से एच तो उसका जब स्टेटमेंट कुछ और है दैट इज के पर्सन का एक्सीडेंट हो गया है उसका एक्सीडेंट में लॉस हिज फूट इन एन एक्सीडेंट है ना अभी उसको चलने में दिक्कत आ रही है सो वॉट इज दिस है ना डिसीज इज दी डिसीज क्या है यहाँ पे इंट्रेंसिक पैथोलॉजी मेन टू से दैट इज द एक्सीडेंट एक्सीडेंट इज द डिसीज हेयर ठीक है जी िटी क्या हो जाएगी वेन द पर्सन इज नॉट परफॉर्मिंग द द ठीक ठीक है ही इज इज शी टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज है जी नेक्स्ट आ जाता है इंपेयरमेंट इंपेयरमेंट में क्या है उसका जो फिजिकल साइकोलॉजिकल जो क्या है डिस्टर्ब हो चुका है तो ऑब्वियसली इंपेयरमेंट uh, में क्या आ जाएगा कि उसकी क्या है एक्सीडेंट की वजह से जो लेग कट गई है या फ्रैक्चर हो गया है यहाँ पे जैसे इसने क्या बोला है कि उसका लॉस इज फुट है सो दिस इज़ इंपेयरमेंट और डिसबिलिटी क्या हो जाएगी ड्यू टू इज फुट ही इज अनएबल टू वॉक अनएबल टू वॉक तो दैट इज द डिसबिलिटी आंसर इज द डिसबिलिटी नेक्स्ट हैंडीकैप जो उसका नॉर्मल रूटीन था मीन टू से ऑफिस वर्क था वो नहीं जा पाएगा सो दैट इज हैंडीकैप सो एक्सीडेंट इज द डिसीज़ वहां पे उसका फ्रैक्चर हो गया है फुट लॉस्ट हो चुका है दैट इज दरमेंट उसकी वजह से जो वो चल फिर नहीं रहा दैट इज दी डिसबिलिटी अपने रोल को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है है ना अपनी ऑफिस उसने छोड़ दिया है सो दैट इज देंडीकैप क्लियर है जी विल मूव टू नेक्स्ट एम प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ ओबेसिटी इज हाँ जी प्राइमरी प्रिवेंशन फॉर दी ओबेसिटी क्या रहेगा जी सो लो फाइबर डाइट नहीं लो फाइबर डाइट क्यों लेंगे जी है ना उससे तो क्या है बॉडी से कुछ अलिमिनेट ही नहीं हो रहा है ना सो दैट इज नॉट दी राइट आंसर हाई कोलेस्ट्रोल डाइट नो क्योंकि इससे तो ये तो और बढ़ावा दे रहा है ओबेसिटी को कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ावा दे रहा है हाई इंटेक ऑफ प्रोटीन नो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना इनको जो क्या है प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी सो दिस इज ऑल्सो नॉर द राइट हे सो आंसर इज द हाई फाइवर डाइट हाई फाइवर डाइट इज द राइट आंसर फॉर द प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ दसिटी क्लियर है जी विल मूव टू नेक्स्ट एम सी क्यू

सो so ऑप्शन है एक्सरसाइज इन दी हाई रिस्क एरिया हाई रिस्क एरिया में एक्सरसाइज करेंगे तो ऑब्वियसली डिसीज को किसी को एक्वायर ही कर रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम को ही ले रहे हैं ना दैट इज दॉट द राइट आंसर बीपी मॉनिटरिंग कुछ भी मॉनिटरिंग है कुछ भी फाइंडिंग है कोई भी डायग्नोसिस है दैट इज दी लेवल ऑफ प्रिवेंशन स्टेटिंस स्टेटिज द ड्रग्स सो दिस इज द ट्रीटमेंट दैट विल बिकम अंडर द सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन टीएमटी ट्रेडमिल टेस्ट दिस इज ऑल्सो दी लेवल में सो सोल्ट रिस्ट्रिक्शन पहले ही कर रहे हो पहले ही सावधानी ले रहे हो सो दिस इज दाइमोडियल प्रिवेंशन रिस्क फैक्टर को ही ना डिवेल्प होने दो भाई है ना सो दैट विल बिकम द प्राइमोडियल प्रिवेंशन सो कॉर्नरी आर्टरी डिसीज का क्या है प्राइमोडियल प्रशन दैट इज दिन सी दैट इज दोल्टिस्ट्रिक्शन्यू स्क्रीनिंग ऑफ डिसीज इन विच

नीचे से स्टार्ट करते हैं कैंसर एजुकेशन ठीक है पहले ही कैंसर को प्रिवेंट करने के रिगार्डिंग हम एजुकेशन दे रहे हैं है ना दैट इज द प्राइमरी प्रिवेंशन नेक्स्ट इज द रेडिएशन प्रोटेक्शन पहले ही प्रोटेक्ट कर लो डिसीज की अक्रंत से पहले ही जो एक्शंस दिए जाते हैं दैट इज दी प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ टोबैको डिसीज की अक्रण से पहले ही कर रहे हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन दिस इज द राइट ऑप्शन बिकॉज ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इज ऑल्सो द केस फाइंडिंग केस फाइंडिंग है जी और ये क्या है सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन नेक्स्ट विल मूव टू नेक्स्ट एम सी क्यू कीमो प्रोफाइल एक्सिस ऑफ द मलेरिया सो वट इज द मीनिंग ऑफ कीमो प्रोफाइल एक्सिस कीमो प्रोफाइल एक्सिस मीन टू से वी आर गिविंग कीमोथेरेपी वी आर गिविंग ड्रग थेरेपी टू द कॉन्टैक्ट्स है ना फॉर एग्जांपल चिकन पॉक्स केस में आप दे रहे हो मलेरिया में यहाँ पे इन्होंने मलेरिया का दिया हुआ है सो बिफोर द अकरेंस ऑफ डिसीज दिस इज दो एक्शन दैट इज दिफोर द अकरेंस ऑफ डिसीज सो दैट इज अंडर द प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन अंडर प्राइमरी लेवल हमने दो चीजें की थी हेल्थ प्रमोशन एंड द स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है ना सो so, ये क्या है केमो प्रोफाइल एक्सिस किसका पार्ट है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का विल मूव टू नेक्स्ट एमसीक्यू आइसबर्ग वर्ग फिनोमिना डिफ्रेंशिएट जी ऑप्शन ए है एपरेंट एंड इन एपरेंट केसेस सिम्टोमेटिक एंड एसिम्टोमेटिक केसेस केसेज एंड कैरियर्स को डायग्नोस्ड एंड अनडायग्नोस्ड केसेस को सो so, अभी हमें देखना पड़ेगा ट इज द आइसबर्ग फिनोमिना वॉट इज द आइसबर्ग फिनोमिनाइसबर्ग का क्या मतलब है की ये आइस का एक बर्ग है, है ना तो इससे ये क्या है टर्म को डिराइव किया गया है दिस वॉज गिवन बाई दीगमेंट फ्रूड ठीक है जी सीगमेंट फ्रूड ने ये टर्म के बारे में हमें सबसे पहले बताया था तो इन्होंने ये टर्म डिराइव कहाँ से की है जैसे ये वाटर में एक ऐसे पोर्शन है ठीक है जी आइस का तो उससे इन्होंने कंपेयर किया है <coughs> केसेस को है ना एंड कैरियर्स को ठीक है जी केसेस को कैरियर्स को डायग्नोज एंड अनडायग्नोज को ठीक है जी तो ये देख लेते हैं है क्या सो फॉर एग्जांपल दिस इज द आइसबर्ग है ना आइसबर्ग को जब उन्होंने डिस्क्राइब uh, किया है तो ये एक बना दी इसमें ठीक है सो दिस इज द सबमर्श पोर्शन ठीक है जी दिस इज द सबमर्श पोर्शन ठीक है ये जो क्या है ऊपर वाला पोर्शन हो गया ऊपर जो हमें क्या है विजिबल पोर्शन है ठीक है जी सो so, हाँ जी ये देख लेते हैं इसमें उन्होंने क्या बताया कि ये जो है जो हमें विजिबल टिप है है ना जो ऊपर है टिप ऑफ द आइसबर्ग दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग टिप ऑफ आइसबर्ग ठीक है ये जो है नीचे अंडर है है ना तो इसको उन्होंने क्या बोला है सबमर्श पोर्शन सबमर्श पोर्शन ठीक है जी एंड नेक्स्ट जो क्या है एक लाइन इन दोनों के बीच में टिप ऑफ आइसबर्ग एंड सबमर्श पोर्शन के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी है जिसको हम क्या बोलते हैं लाइन ऑफ डिमार्केशन लाइन ऑफ डिमार्केशन ठीक है जी अभी हम देखेंगे टिप ऑफ आइसबर्ग किसको uh, कर रही है इंडिकेट सब मर्श पोर्शन किसको इंडिकेट कर रही है ठीक है जी सो विल डिस्कस दिस इज हेयर दैट इज द टिप ऑफ आइसबर्ग टिप ऑफ आइसबर्ग इंडिकेट वट दीज आर द देंट केसेस डायग्नोज केसेस सिम्टोमेटिक Symptomatic cases, ठीक Symptomatic cases. है जी तो मीन टू तो से जो ऊपर वाला पोर्शन है है ना फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज चीज का ही है फॉर एग्जाम्पल दिस इज पेन है ना तो मैंने ऐसे इसको रखा हुआ है तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है है ना टिप ऑफ जो आइसबर्ग है दीज आर दी एप्रेंड जो हमें दिखाई दे रहे हैं हमें देखते सार के हाँ दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दिस स्पेसिफिक डिसीज कंडीशन ठीक है जी एपरेंट केसेस है जो डायग्नोज हो गया जिसमें सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं जो केसेस हैं सो दैट आर द टिप ऑफ द आइसबर्ग ठीक है so जी नेक्स्ट जो सबमर्ज पोर्शन है सबमर्ज पोर्शन है सबमर्ज पोर्शन किसको इंडिकेट कर रहा है जी नीचे वाला है ना ये जो हमें नहीं दिखाई दे रहा नीचे नीचे है जो तो उसको क्या बोलते हैं हम दीज आर ठीक है जी कैरियर्स एंड दिम्टोमेटिक केसेस एसिम्टोमेटिक केसेस जिसमें क्या है अभी तक सिम्टम्स नहीं दिखाई दिए गए हैं ठीक है जी तो यहां पे हमने देख लिया है

कुछ ऐसी डिसीज कंडीशन है जिसपे ये फिनोमिना इम्प्लीमेंट ही नहीं होता सो वट इज दैट सो दैट इज दिस्टर आर टी ठीक है जी मिस्टर आर टी जो डिसीज कंडीशन है इनके ऊपर ये फिनोमिना लागू नहीं होता तो उनका कारण क्या है द रीजन बिहाइंड दैट इन डिसीज कंडीशन में सब क्लिनिकल केसेज नहीं होते ठीक है जी जिनके केसेस जिन केसेस के कैरियर्स के है ना कैरियर्स या एसिम्टोमेटिक अनडाइग्नोज केसेस है जो कम्युनिटी में छुप कर बैठे हो जिनका हमें पता ही नहीं है ना तो दैट आर द पार्ट ऑफ द सबमर्ज पोर्शन है ना जिनको हम डायग्नोज नहीं कर पा रहे बट ये जो है इनके सीधे सीधे केसेस होंगे कोई इनका कैरियर स्टेट या फिर सब क्लिनिकल केसेज नहीं होता ठीक है इनका सब क्लिनिकल केस नहीं होता जो छुप कर बैठा हो सो आरटी जिनसे आप ये वाले डिसीज़ को याद रख सकते हो सो दैट आर मीज़ल्स रेबिस रूबेला एंड दस ठीक है जी नाउ वी विल सी आर एम सी क्यू So, हमारा एमसी क्यू क्या था आइसबर्ग फिनोमिना डिफ्रेंशियट सो ये सारे नहीं होंगे सो आंसर इज द एपरेंट एंड द इनएपरेंट केसेस सो दिस इज द राइट आंसर जो दो चीजें और बताना चाहूंगी कि क्लिनिशियन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ठीक है एंड द एपिडेमियोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ठीक है आइसबर्ग फिनोमिना में जो तो टिप ऑफ द आइसबर्ग फिनोमिना है टिप दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर द क्लिनिशियन जो सबमर्ज पोर्शन है सबमर्ज पोर्शन है है ना दैट इज इम्पोर्टेंट वो किसके लिए जरूरी है दैट इज फॉर द एपिडेमियोलॉजिस्ट ठीक है जी एपिडेमियोलॉजिस्ट है जो वो नीचे वाले अनडाइग्नोज केसेस को क्या है देखता है ताकि फर्दर स्प्रेड ऑफ डिजीज को मैं जल्दी जल्दी से प्रिवेंट कर सकू क्लिनिशियन जिसने ट्रीट करना है डिजीज को दैट इज मेकिंग वर्क ऑन द टिप ऑफ द आइसबर्ग वर्ग फिनोमिना ठीक है जी तो अंडर द आइस वर्ग फिनोमिना वी के इसमें पार्ट्स कौन कौन से हैं दैट इज द टिप उसके बाद लाइन ऑफ डिमार्केशन एंड द दर्मर्ज पोर्शन नेक्स्ट इन दोनों का क्लिनिशियन एंड एपिडेमियोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू कर लिया कि इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीज ज़रूरी है नेक्स्ट हमने इसमें कौन कौन से डिसीजे फिनोमिना को नहीं फॉलो कर रही मूव टू नेक्स्ट एम सी क्यू टिप ऑफ आइसबर्ग फिनोमिना इज मोस्टली अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंटेड बाय हां जी कौन कौन सी डिसीज कंडीशन है जो टिप ऑफ आइसबर्ग फिनोमिना को रिप्रेजेंट करती है हां जी सो so, इज देखो ऑप्शन बी मीजल्स एंड रेबिस को तो अलिमिनेट कर दो भी है डिस्कस मिस्टर आर टी में है ना मिस्टर आर टी में ठीक है तो उसके बाद मलेरिया तो मलेरिया भी जो है इतनी जल्दी हम डायग्नोस नहीं कर सकते ठीक है उसके लिए भी क्योंकि मलेरिया के बहुत सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी है ठीक है जी तो इसके लिए द राइट आंसर इज ऑप्शन सी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन दैट कैन बी वेरी 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 इजीली वी कैन डायग्नोज ठीक है कोई लोग माल नरिश्ड है उसका सीधा आप देखो है ना कोई भी टेस्ट करवाना है जो भी करवाना है तो उससे क्या है आप एज सुन एज पॉसिबल जो क्या है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को आपके सामने टिप टिप पूछिए ना टिप ऑफ द वर्ग फिनोमिना इज मोस्टली अप्रोप्रेटली रिप्रेजेंटेड बाय सो दैट इज द प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्यों सीधा सीधा हमें दिखाई दे रहा है दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन विल मूव टू नेक्स्ट एम सी क्यू डिसीज इरेडिकेटेड फ्रॉम दी वर्ल्ड कौन से डिसीजिज वर्ल्ड से इरेडिकेट हो चुकी हैं सो ऑप्शन आर स्मॉल पॉक्स गुनियावम पोलियो डिप्थीरिया एंड द मीजल्स सो राइट आंसर हेयर इज पॉक्स सो विद द आंसर सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर डेट्स स्मॉल पॉक्स की हाँ जी तो इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट करेंगे दैट इज द ईयर यू हैव टू रिमेंबर दैट इज इन 1975 1975 इसको पकड़ लो इसको अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो बाकी सभी चीजें आपको बहुत बहुत इजीली क्या है याद हो जाएंगी ठीक है जी सेवेंटी so, 1975 को क्या हुआ था 1975 सेवेंटी फाइव इज द डेट वेन लास्ट केस ऑफ लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स इन दी सीन इन इंडिया ठीक है सो दिस इज द लास्ट केस सीन इन द इंडिया इसके आफ्टर टू ईर्स इसके आफ्टर थ्री ईयर्स अभी देखो इसके आफ्टर थ्री इयर्स का क्या मतलब है सेवेंटी फाइव प्लस थ्री कितने सेवेंटी एट है ना इसके भी इयर्स बाद यहां पर सेवनटी एट में वर्ल्ड वाइड लास्ट केस देखा गया था वर्ल्ड वाइड लास्ट केस ठीक है जी इंडिया में लास्ट केस 1975 में इन 1978 वर्ल्ड में लास्ट केस नेक्स्ट इसके टू इयर्स आफ्टर दैट इज इन द 1977 क्या हुआ था जी इरेडिकेशन ऑफ इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल बॉक्स फ्रॉम द इंडिया इंडिया में इरेडिकेट हुआ है ये मई 1977 में एंड वर्ल्ड वाइड यहाँ के आफ्टर टू इयर्स दैट इज नाइनटीन में है ना इट वॉज इन फ्रॉम द वर्ल्ड इरेडिकेटेड क्लियर है जी तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर 1975 उसके थ्री ईयर्स बाद वर्ल्ड वाइड जो था लास्ट केस था 1975 के आफ्टर टू ईयर्स इरेडिकेशन फ्रॉम द इंडिया 1978 के आफ्टर टू ईयर्स इरेडिकेशन फ्रॉम द वर्ल्ड क्लियर है जी विल मूव टू नेक्स्ट एमसीक्यू सी क्यू डिसीज अलिमिनेशन इज हेल्प बाय हाँ जी डिस अलिमिनेशन हेल्प्ड बाय हर्ड इम्यूनिटी आइसोलेशन क्वारेंटीन एंड नन है ना सो वट इज हर्ड इम्युनिटी हेयर हर्ड इम्यूनिटी सो इन सिंपल टर्म्स इट इज द इम्युनिटी ऑफ द कम्युनिटी इम्युनिटी ऑफ कम्युनिटी सो वट इज मीनिंग हेयर हर्ड इम्यूनिटी मीन टू से कम्युनिटी की क्या इम्यूनिटी है ऑफ दी ग्रुप ऑफ पीपल जो क्या है किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप की किसी डिसीज कंडीशन के अगेंस्ट क्या कम्यू इम्यूनिटी है विच इज नॉन एज ए हर्ड इम्यूनिटी ठीक है जी सो so, यहाँ पे हम दो चीजें डिस्कस करेंगे दैट इज के बाय इम्युनाइजेशन है वो चीज और नेचुरली नेचुरली कैसे डिवेल्प हो सकती है हर्ड इम्यूनिटी पूरे के पूरे ग्रुप की आफ्टर द इन्फेक्शन है ना फॉर एग्जाम्पल किसी ग्रुप को कोई स्पेसिफिक इन्फेक्शन हो रही है और वहाँ पे वो ट्रीट होगी तो उनमें क्या है नेचुरली एंटीबॉडीज सारे के सारे ग्रुप में डिवेल्प होगी दैट अगेंस्ट दैट डिसीज है ना सो दैट इज द आफ्टर द नेचुरल इन्फेक्शन जो एक नेचुरल इम्यूनिटी डिवेल्प होती है दैट इज नोन एज हर्ड इम्यूनिटी इन द होल ग्रुप बाई इम्यूनाइजेशन फॉर एग्जाम्पल इन दी कोविड सारे की सारे इंडिया की पॉपुलेशन को हमने क्या है है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वैक्सीनेशन प्रोवाइड की है कोवावैक्स कोवाशील्ड है ना सो दैट इज दी बाई दी इम्यूनाइजेशन पूरे की पूरी कंट्री की जो इम्यूनिटी डेवलप की गई है दैट इज हर्ड इम्यूनिटी ठीक है जी सो नेक्स्ट टर्म्स आर दी आइसोलेशन एंड दी क्वॉरेंटीन सो दिस इज दी इम्यूनिटी है ना इम्यूनिटी ऑफ द कम्युनिटी नेक्स्ट आइसोलेशन जो की जाती है अलग किया जाता है सेपरेट किया जाता है टू द क्या है केसेस को जब हम अलग से रखते हैं दैट टर्म इज द आइसोलेशन व्हेन यू आर मेकिंग क्वारंटीन मींस क्या है जब हम हेल्दी पर्सन को हेल्थी पर्सन को आइसोलेट करके रखते हैं उसको अलग से रखते हैं सो दैट टर्म इज नोन एज देंटीन ठीक है जी सो so अभी आपसे अगर पूछ लिया जाए वन मोर कॉन्सेप्ट हेयर अगर पूछ लिया जाए कि जो पीरियड ऑफ आइसोलेशन है है ना पीरियड ऑफ पीरियड है आइसोलेशन का पीरियड ड्यूरेशन कितनी है सो दैट इज दैक्सीम मैक्सीम इंक्यूबेशन पीरियड अगर आपसे पूछ ले कि कितने टाइम तक आइसोलेट किया कर किया जाता है क्वारंटीन किया जाता है दैट इज द मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड डे तक ठीक है फॉर एग्जाम्पल किसी का फाइव टू सेवन डेज है तो अप्रोक्सीमेटली मतलब टेन डेज तक या सेवन डेज तक यू हैव टू आइसोलेट दैट पेशेंट है ना इंक्यूबेटरी पीरियड तक ठीक है जी सो आंसर ऑफ दिस एम सी क्यू इज डिसीज एलिमिनेशन आइसोलेशन से तो हम देखो किसी बस उसके स्प्रेड को हम कंट्रोल कर सकते हैं बट नोट एलिमिनेट क्वारंटीन से भी सेम ही है कि आप एक मतलब स्प्रेड को उस डिसीज कंडीशन को रोक सकते हो बट एलिमिनेट नहीं सो एलिमिनेशन इज बाय हर्ड इम्यूनिटी ठीक है जी विद द हेल्प ऑफ हर्ड इम्यूनिटी यू कैन एलिमिनेट द डिसीज़ कंडीशन ठीक है जी विल मूव टू नेक्स्ट एम सी पी क्यू एल आई स्टैंड्स फॉर इसकी फुल फॉर्म पूछ रखी है सो इज इट दी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स फिजिकल क्वान्टिटी फिजियोलॉजिकल क्वालिटी नेक्स्ट साइकोलॉजिकल क्वालिटी सो यहाँ पर हमें याद रखना है इट इज़ नोट दिस साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल इट इज़ द फिजिकल क्वालिटी क्वान्टिटी नहीं यही क्वालिटी है दिस इज द फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स मूव टू नेक्स्ट एम सी यू विच ऑफ़ द फॉलिंग इज नोट अ सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर सो इनमें से कौन से सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर नहीं है बाकी सारे मतलब है एक को छोड़कर है ना विच ऑफ द फॉलिंग इज द नोट सोशियो इकोनॉमिकल इंडिकेटर हाँ जी सो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है जो पहले तो हम देख लेते हैं कि है कौन कौन से उससे उसके बाद हम इसमें से आंसर देख लेंगे सो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को याद करने का एक तरीका है दिमोनिक याद करना है जो आपको दैट इज ही फ्लैग ठीक है जी तो ही फ्लैग में एच को याद रखेंगे हम एफ एल ए जी जी ई डी को याद रखेंगे एक्सेप्ट ई e को ई e को छोड़ दो बाकी सभी चीजों से आपका है ठीक है जी एंड डी यहां लिख लेते हैं ठीक है जी सो so, एच से क्या है दैट इज द हाउसिंग एफ से फैमिली साइज एल से है लिटरेसी रेट लिटरेसी रेट ठीक है जी ए से है अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी पर कैपिटा ठीक है जी अवेलेबिलिटी पर कैपिटा कैलोरी की है ना अवेलेबिलिटी ऑफ कैलोरी पर कैपिटा नेक्स्ट आ जाता है जी जी एन पी ठीक है जी नेक्स्ट जी से है जी एन पी नेक्स्ट जी से क्या है ग्रोथ ठीक है जी ग्रोथ रेट एंड ई e से है एम्प्लॉयमेंट e एक e को तो आपने इरेडिकेट कर दिया है ना यहां से और यहां पे है एम्प्लॉयमेंट वहां पे आपने एम्प्लॉयमेंट नहीं अनएलॉयमेंट को याद रखना है ठीक है जी सो ही फ्लैग से हमने क्या क्या याद कर लिया है हाउसिंग फैमिली साइज लिटरेसी रेट अवेलेबिलिटी पर कैपिटा जीएनपी ग्रोथ रेट एंड दिन अनएम्प्लॉयमेंट नाउ लेट्स सी एमसीक्यू हेयर विच ऑफ़ दॉलोइंग इज नोट अलो इकोनॉमिक इंडिकेटर सो हाँ जी ही फ्लैग है ना जी सो एच है है ना नैक्सट फैमिली साइज है एल से लिटरेसी है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ ग्रोथ था जी एन पी थी अनएम्प्लॉयमेंट थी अवेलेबिलिटी पर कैपिटा थी एंड यहां पे डी पे डी से क्या फ्लैक्ट और यहां पे क्या था हाँ जी यहां पे था दैट वॉज अनएम्प्लॉयमेंट है ना एंड डी से था डिपेंडेंट ठीक है जी अनएम्प्लॉयमेंट फ्लैक्ट ई से था अनएम्प्लॉयमेंट डी से था डिपेंडेंट तो यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा डिपेंडेंट अनएम्प्लॉयमेंट जी एन पी ग्रोथ है ना अवेलेबिलिटी पर कैपिटल तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का तो यहाँ पे हमने निमोनिक में कुछ नहीं किया है ना सो दिस इज द राइट ऑप्शन जो उन्होंने नोट का पूछा हुआ है नोट अ सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर दैट इज द ऑप्शन डी सो विल मूव टू नेक्स्ट एमसीक्यू सी क्यू विच इज अफ वैक्सीन सो so, इनमें से लाइव वैक्सीन कौन सा है तो इसका आंसर आपको देना है इन द कॉमेंट सेक्शन सो बिकॉज आर टॉपिक वॉज प्रिवेंशन है ना लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन सो आपने वन अनदर आंसर यू हैव टू कमेंट इन कमेंट सेक्शन आंसर इसका आप इसका आंसर भी अपने कमेंट सेक्शन में बताना है दैट इज अ चाइल्ड है ना चाइल्ड विंग एज अप्रोक्सीमेटली टेन ईयर्स है ना कम इन कंटम्स इन टीबी क्लिनिक टीबी क्लिनिक विद हिज मदर ठीक है मदर वैन यू टेक कन हिस्ट्री वैन यू टेक कन हिस्ट्री तो उसने क्या बताया हिस्ट्री में उसने बताया है uh, फ़ेब्राइल एपिसोड्स फ़ेब्राइल एपिसोड्स प्लस कफ फ्रॉम टेन डेज है ना सो नाउ डॉक्टर एडवाइज फॉर द स्पूटम माइक्रोस्कोपी सो स्पूटम माइक्रोस्कोपी का उसको डॉक्टर ने बोला है स्पूटम माइक्रोस्कोपी के लिए तो वट इज दिवेंशन हेयर सो दिस इज दिच लेवल ऑफ प्रिवेंशन सो यहाँ पे नहीं आपने आंसर करना है इन द Comment section. Okay, so we'll meet in the next session. Thank you.